सांत्वना दीचीस, सांत्वना दीचीस। ओ तुई जारे साथी सुखे थाक भी आमार भालो बासा ताक दुरे अमार। ओ तुई जारे साथी सुखे थाक भी आमार भालो बासा ताक दुरे अमार। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवनाथ राय। तो बड़ो भाई अभी आप लोग दोस्तों स्क्रीन में स्टेटस का फिर भी तो देख ही लिया। तो दोस्तों आज कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो लेके आ गया। तो दोस्तों आप लोग ऐसे वीडियो बनाने के लिए इस इलाइट मोशन को ओपन करना है। तो दोस्तों इलाइट मोशन को ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। तो बड़ो भाई प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग सॉन्ग बिटमार्ट एंड सर्टिफिकेट ये दोस्तों दोनों मिल जाएगा हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोनों को दोस्तों जाके डाउनलोड करना है। इसके बाद बड़ो भाई फर्स्ट में आप लोग सॉन्ग बिटमार्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो दोस्तों सॉन्ग बिटमार्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप लोग दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चलाना फास्ट में, और फास्ट में आने के बाद दोस्तों आप लोग इसमें दोस्तों वीडियो क्लिप कर निकलना है। तो बड़ा भाई वीडियो क्लिप मिल जाएगी हमारा टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल में विजिट करके वीडियो क्लिप को डाउनलोड करना है। इसके बाद आप लोग इसमें वीडियो क्लिप कर करने के लिए प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आप लोग को मीडिया क्लिक करके अपना गैलरी ओपन करना है। इसके बाद बड़ा भाई वीडियो क्लिप में टच करके आप लोग को प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में टच करके आप लोग को ए वाला आइकन में क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग ए वाला आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। फिर दोस्तों आप लोग को ए तीर वाला आइकन में क्लिक करना है। तो तीर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट बिटमार्ट में आ जाना के बाद दोस्तों आप लोग को फिर दोस्तों इसमें फोटो को ऐड करना है। दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आप लोग को मीडिया क्लिक करके अपने गैलरी ओपन करना है। तो बड़ा भाई अपना गैलरी ओपन करने के बाद जिस फोटो दोस्तों वीडियो बनाना चाहते हो उसी फोटो में टच करके आप लोग को प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोग को एक फोटो के कोने में टच करके रहना है। रहने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नीचे लेके आ जाने के बाद नीचे दोस्तों फोटो में टच करके आप लोग को स्क्रॉल करके लास्ट में लेके आ देना है। आ जाने के बाद बड़ा भाई आप लोग के वाला आइकन में सिंपल क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर इसमें दोस्तों आप लोग इफेक्ट को लगाने के लिए आप लोग को देन बैक कर लेना है। बैक करने के बाद बड़ा भाई आप लोग को सर्टिफिकेट को ओपन करना है। तो दोस्तों सर्टिफिकेट को ओपन करने के बाद फोटो में टच करके इफेक्ट में टच करके थ्रीडॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट करना है। देन दोस्तों आप लोग को बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों ये सॉन्ग बिटमार्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। फिर दोस्तों आप लोग को एक फोटो को पैसे लेके देना है। फोटो को पैसे लेके देने के बाद फोटो में टच करके इफेक्ट में टच करके इस थ्रीडॉट पर टच करके पेस्ट फिट कर देना है। तो बड़ा भाई पेस्ट फिट हो जाने के बाद फिर दोस्तों आप लोग को 17.2 सेकंड में आ जाना है। आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग इसमें दोस्तों आप लोग को ग्लास वर्किंग दोस्तों वीडियो क्लिप कर करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग के प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों मीडिया क्लिक करके अपना गैलरी ओपन करना है। इसके बाद बड़ा भाई आप लोग वीडियो क्लिप में टच करके प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को वीडियो में टच करके आप लोगों को थ्रीडॉट पर क्लिक कर देना है। थ्रीडॉट पर क्लिक करने के बाद फुल कंप्रेसर एरिया में क्लिक कर देना है। इसके बाद बड़ा भाई आप लोगों को ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को लाइटिंग में क्लिक करके आप लोग को सिंपल स्क्रीन में क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को इसमें दोस्तों आप लोगों को एक पीएनजी को ऐड करना है। तो पीएनजी को ऐड करने के लिए फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। देन दोस्तों आप लोग को मीडिया क्लिक करके अपना गैलरी ओपन करना है। इसके बाद पीएनजी में क्लिक करके आप लोग को प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को ए वाला आइकन में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इसके थोड़ा छोटा कर देना है। तो दोस्तों छोटा करने के बाद दोस्तों आप लोग फिर ए वाला आइकन में क्लिक करके दोस्तों आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। और नीचे आ जाने के नीचे दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह के रख देना है। तो रखने के बाद दोस्तों आप लोग फिर स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में लेके देना है। आ जाने के बाद बड़ा भाई आप लोग ए वाला आइकन में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद बड़ा भाई आप लोग को वीडियो को अपने गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बड़ा भाई आप लोग के वीडियो के कोने में क्लिक करके दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करना है अपना गैलरी में।